मसूरी मॉल रोड में लोक निर्माण विभाग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा काम किया जा रहा है, जो अपने आखिरी चरण पर है। मसूरी मॉल रोड के सभी चौराहों पर केबल स्टोन लगाकर सुंदर बना दिया गया है। वहीं मॉल रोड पर सौंदर्यीकरण के काम को फाइनल टच दिया जा रहा है। मॉल रोड पर हो रहे कार्यों को लेकर लोगों को दिक्कत जरूर हो रही, लेकिन प्रशासन का कहना है कि मुख्य चौराहों पर केबल स्टोन लगाए जाने को लेकर कुछ समय के लिए मार्ग के कुछ हिस्सों को बंद करके काम किया जाता है, जिससे कि लोगों को कम परेशानी हो। मसूरी नायब तहसीलदार विनोद तिवारी द्वारा बताया गया कि 7 करोड़ की लागत से मसूरी मॉल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनः निर्माण का काम किया गया है। मॉल रोड को करीब 8 इंच नीचे कर दिया गया है, जिससे कि लोगों की दुकानों में पानी ना जाए व सड़क किनारे नालियों के निर्माण भी करा दिया गया है। ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि चौक बंद, कहीं पर भी चौक बंद नहीं है हमारे, सब जगह खुले पड़े हैं, सब जगह लोग जा रहे हैं। यात्रियों का हम सबसे पहले यात्रियों को ही देख रहे हैं कि वो आए, अपने आने जाने में उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और चौक हमारा ग्रीन चौक चल रहा है, जिस पर काम चल रहा है हमारा, वो बेहतर ढंग से हो जाए, हमारा निपट जाए। उसके लिए हमने थोड़ा एक गाड़ियों का, बड़ी गाड़ियों का आने जाना बंद किया हुआ है। स्कूटर तो निकल रहे हैं हमारे, लेकिन लोकल लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसेंजर भी चल रहा है, यात्री लोग सभी चल रहे हैं। मसूरी बीजेपी नेता सतीश ढोंडियाल ने कहा कि राज्य सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी मॉल रोड के पुनः निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर 7 करोड़ रुपए और मसूरी में पेयजल की समस्या को लेकर 144 करोड़ रुपए की मसूरी जमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत मसूरी में पेयजल पहुंचाने का कार्य किया गया। वो मसूरी मॉल रोड को सुंदर और व्यवस्थित बनाए जाने को लेकर मॉल रोड का पुनः निर्माण का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि मॉल रोड में हुए निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम को लेकर लोगों को परेशानी जरूर हुई है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी की हर समस्या को लेकर तत्पर रहते हैं, और यही कारण है कि मसूरी में 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना के तहत पानी की भरपूर सप्लाई शुरू हो चुकी है और आगामी 40 साल तक मसूरी में पेयजल की दिक्कत नहीं होगी। क्षेत्रीय विधायक माननीय गणेश जोशी जी, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके अथक प्रयास से लगभग 7 करोड़ रुपए रिलीज किया गया था मसूरी माल रोड के ब्यूटीफिकेशन के लिए और इस डामरीकरण के लिए, जो कि काफी समय होने के बाद आज हमको सपना दूर हुआ है कि हमारी सुंदर माल रोड, अच्छी माल रोड, हर चौराहे पे कॉबलिंग जैसे विदेशों में देखने को मिलती है, ये सुंदर है। अब हमें अच्छा भी लग रहा है, टूरिस्ट भी जब आ रहा है जा रहा, थोड़ा परेशान जरूर हुआ है, लोकल लोग भी परेशान हुए, लेकिन आज सबका कहना है कि जो काम हुआ बहुत अच्छा हुआ, 90% काम पूरा कर लिया गया। इसके लिए हम जिसको थोड़ी बहुत कठिनाई टूरिस्ट को, लोकल को, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको एक सुंदर और बढ़िया मसूरी अब देखने को मिल रही है। जो तार ऊपर नीचे चारों तरफ माल रोड में दिखाई देते थे, अब कहीं नहीं है। पानी की लाइनें सब अंडरग्राउंड हो चुकी है, हर चौक चौराहे को जो चौक चौबंद कर दिया गया और ब्यूटीफिकेशन का माल रोड काम लगभग पूरा हो गया। मसूरी के मुख्य चौराहे को खूबसूरत बनाया जा रहा है व माल रोड के पुनः निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम अपने आखिरी चरण पर है व जल्द माल रोड अपने नए स्वरूप में नजर आने वाला है, जिसको लेकर सभी लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।